हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा सेशन होगा रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर 38। और आज के सेशन में हम लोग करेंगे ज्योग्राफी के जो सवाल पूछे गए बीपीएससी प्रीवियस ईयर में, उन सारे सवालों को हम लोग करने वाले हैं। और ये उसका पार्ट टू है, इसके ऊपर एक और वीडियो आएगा ज्योग्राफी का। तो तीन पार्ट्स में ज्योग्राफी के जितने भी सवाल पूछे गए बीपीएससी प्रीलिम्स में, वो सारे सवालों को हम लोग कर लेंगे। अभी तक हम लोगों ने साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन तीन सेक्शन को हम लोगों ने किया है प्रीवियस ईयर को लेके। और ज्योग्राफी के बाद जो हमारा सेशन होगा वो होगा हमारा बिहार स्पेशल होगा। बिहार स्पेशल में जितने भी सवाल अभी तक बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए, उन सारे सवालों को हम लोग करेंगे। फिर हमारा लास्ट बच जाएगा इकोनॉमी, और एक वीडियो हम लाएंगे जिसके मिसलेनियस सवाल जो पूछा जाता है हमेशा, तो उस पर भी हम लोग रिसर्च कर लेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारा लेक्चर चल रहा है बेसिकली, वो आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने 70 डेज का एक स्टार्ट किया है। एक सेकंड में आपको यहाँ पे लिख दूँ तो आपको समझ में आए। 70 डेज में हम लोग किस तरह से बीपीएससी में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, 110 से 120 प्लस स्कोर कर पाएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। ओके, लेकिन 70 डेज के लिए मैंने आपको 10 वीक का प्लान दिया है। हर एक वीक के लिए मैं एक आपको वीडियोस दूंगा, उस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर को कवर करना है। ओके, और सारे चैप्टर, जितने भी चैप्टर हो, चाहे करेंट अफेयर हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, सब कुछ कवर होगा इन 70 डेज में। मैं उस तरह से मैं आपको आप जाकर वीडियो देखिएगा जो मैंने वीक वन के लिए डाला है, तो आपके समझ में आएगा, आइडिया आ जाएगा क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। और मैंने यहाँ तक ये भी डिटेल में मैंने कवर किया है कि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमको इस पे ध्यान रखना है, कि जो एग्जाम्स बीपीएससी प्रीवियस में पूछे गए हैं और बीपीएससी पूछने वाला है, उस तरह के ट्रेंड को लेके मैंने वो इस लेक्चर्स को तैयार किया है। तो 70 डेज सीरीज जो हमारा चल रहा है, जिसमें हम 10 वीडियोज आपको देंगे, हर एक वीक में एक वीडियो, और बताएंगे किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है, बहुत ही बेहतरीन आपके लिए। इसको जरूर देखिए और फॉलो करिए, केवल देखने से नहीं होगा, इसको फॉलो भी आपको करना पड़ेगा एनी हाउ। अगर आप 70 डेज वाला इसको पूरा 70 दिन अगर अपने आपको कम से कम 5 घंटे डेडिकेटेड करते हैं, तो एक अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे, और आपका मेंस के लिए भी आपका एक अच्छा खासा बेस तैयार हो जाएगा। बेस क्या आप कह सकते हैं कि मेंस के लिए एक अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा, फिर मेंस में बस आपको प्रैक्टिस करना है और हो जाएगा। तो हम लोग फरवरी में लगभग ये रिवीजन सीरीज जो हमारा है वो खत्म हो जाएगा फरवरी में। तो मार्च में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमारा स्टार्ट था लेक्चर, तो मॉडर्न हिस्ट्री भी जो हम लोग, मैंने बोला था कि 10 से 12 वीडियो मिलेगा, तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग एक प्रीलिम्स लेवल के लिए पढ़ेंगे। जैसे हमारा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होता है मार्च में, तो हम लोग फिर जो हमारा ऑप्शनल में चल रहा था, हिस्ट्री ऑप्शनल का मिडावल का भी चल रहा था, तो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब कहने का मतलब कंटिन्यू करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का जो पहला प्रश्न हमारा होगा, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था लगभग 33 या 32 प्रश्न, तो आज का जो हमारा प्रश्न है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था कि जो द्रविड़ियन रेस है वो किस पार्ट ऑफ इंडिया के किस पार्ट में है। तो मैंने बताया था कि ये साउथ इंडिया में द्रविड़ियन जाति के लोग मुख्य रूप से पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सवाल नंबर 33 कहता है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल द ईस्टर्न घाट ज्वाइन द वेस्टर्न घाट। देखिए, अगर हम बात करेंगे ईस्टर्न घाट आप देखिएगा, वेस्टर्न घाट ये देखिएगा, तो दोनों का एक जोड़ने का, एक जंक्शन का काम करता है नीलगिरी हिल। नीलगिरी हिल एक तरह का घाट है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों को जोड़ती है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये देख सकते हैं। ओके, ये अगर इधर आप देखिए, इधर पूरा आपका पश्चिमी घाट देखने को मिलेगा। ओके, और इसके बाद इधर आएगा, इधर आपको मिलेगा आपको पूर्वी घाट। पूर्वी घाट थोड़ा सा कटा छटा है, क्योंकि बहुत सारी नदियों के कारण कहीं ना कहीं इनको जो बीच बीच से कट गई है, तो ये पूरा कंटिन्यू है, रेगुलर है। तो ये पश्चिमी घाट और ये हमारा पूर्वी घाट, इनके बीच में जोड़ने का जो काम करती है वो करती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, नीलगिरी की पहाड़ी। तो नीलगिरी की पहाड़ी काट के रूप में, कहने का मतलब आप गाठ के रूप में काम करती है, और नीलगिरी पहाड़ी पे एक उसका मीन्स कहने का चोटी है दोडा बेटा। क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड में दूसरा कलर ले लूं तो आपको समझ में आए। ओके, नीलगिरी पहाड़ी का एक बहुत ही ऊंचा पर्वत बोल सकते हैं, ऊंचा चोटी बोल सकते हैं, दोदा बेटा। इसकी लंबाई 2637 मीटर है, और ये दक्षिणी भारत का या प्रदीपीय भारत का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है दोदा बेटा, जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। आफ्टर हम देखेंगे कि अगर हम देखेंगे ये जो जैसे दोदा बेटा आप देख पा रहे हैं, ओके, नीलगिरी आप देख पा रहे हैं, तो उसके नीचे अगर बढ़िएगा तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा ये अनाई मुड़ी। अनाई मुड़ी अन्नामलाई जो आपको इसकी पर्वत है जो 2695 मीटर की ऊंचाई पे है, और सबसे ऊंचा पर्वत है पूरे प्रायद्वीपीय भारत की, या दक्षिणी भारत कह लीजिए, पूरे पेनिनसुलर प्लेटू या बोल सकते हैं पेनिनसुलर इंडिया बोल सकते हैं, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनाई मुड़ी। ठीक है, अनाई मुड़ी जो कि अन्नामलाई पहाड़ी का भाग है 2695 मीटर का। ओके, तो
तो ये जो पालने हिल से आप देख रहे हैं, पालने जो है इसी जो आप देख सकते हैं, इसी जो यहाँ पे जब गार्ड देखने को मिलेगा, इसका जो ईस्टर्न जो आपका कह सकते हैं एक्सटेंशन जो है वो पालने हिल, कौन है पालने हिल है, ठीक है। सबसे नीचे कौन सा है, कार्डमम हिल है जो कन्याकुमारी से नजदीक है। तो ये सवाल पूछ चुका है कि कन्याकुमारी सबसे नजदीक पहाड़ी कौन है, तो कार्डमम हिल जो कि इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। ओके, यहां तक आपको कवर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, बाकी ये तो मैंने पहाड़ी ऑलरेडी मैंने आपको करवाया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, तो माउंटेन्स, माउंटेन्स आपको याद होने चाहिए, कौन से माउंटेन्स कहाँ है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैप बहुत ही महत्वपूर्ण मैप है, इसको भी अगर आप कवर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट सारे पहाड़ी यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे, बहुत सारे रेंज, बहुत सारे प्लेटू आपके कवर हो जाएंगे। सवाल नंबर 34 की बात करेंगे, कह रहा है कि कॉपर इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड। देखिए मैंने कल के वीडियो में जाते खेतली, देखिए खेतली को दो बार पूछ दिया, एक तो पहले पूछा कि खेतली कहाँ है, तो राजस्थान में है। खेतली किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, कॉपर के लिए। यहां बोला कॉपर इंडस्ट्री के लिए कौन सा प्रसिद्ध, तो खेतली राजस्थान का। सवाल को देखिए घुमा के फिरा के पूछ रहा है, इस बात को ध्यान रखना है। सवाल नंबर 35 की बात करें, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज की बात करें। एक तरह का ये नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है जो चार बड़े बड़े शहरों को जोड़ता है, आप मैप पे देख सकते हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ठीक है। तो इन चारों को जोड़ता है, देखिए चेन्नई यहाँ पे है, यहाँ पे मुंबई आप देख सकते हैं, ठीक है, मुंबई आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका दिल्ली है ये, ओके, दिल्ली को जोड़ा मुंबई से, मुंबई को जोड़ा आपका चेन्नई से। अब देखिए ये आपका सब नेशनल हाईवे का नाम है, ठीक है, नेशनल हाईवे का नाम है, ओके, ध्यान रखें नेशनल हाईवे का नाम है। तो ये देख सकते हैं कोलकाता से लेके दिल्ली जाना है, नेशनल NH-19 को जोड़ता है पूरा, इसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, ये चार मेन मेन जो मुख्य जो शहर है उनको जोड़ने का काम करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम चलेंगे सवाल नंबर 36, कौन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर्स, देखिए ये सीधे सीधे माइंस जो आपके माइंस है, या आप कह सकते हैं कि वैसे जगह से सवाल पूछा, जैसे खेतली से पूछ दिया किसके लिए प्रसिद्ध है, उसे कह रहे जो वेला डीला जो है, ये छत्तीसगढ़ में वेला डीला, और ये हेमेटाइट एस्क के लिए प्रसिद्ध है, लोहा का जो एस्क होता है आयरन, और वो हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है वेला डीला, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है, ध्यान रखिए। क्या लिखा हुआ है कि 79% हेमेटाइट जो होता है वो आपको ईस्टर्न साइड, जैसे असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों से आपको देखने को मिलता है। अब उसके बाद कह रहा है कि वाइल 93% मैग्नेटाइट जो है आपको आंध्र प्रदेश, गोवा, मींस जो आप ऐसे अगर मैप बनाते हैं ना, तो इधर वाला जो एरिया है उसमें आपको मैग्नेटाइट देखने को मिलेगा, ठीक है, और इधर वाला एरिया में हेमेटाइट देखने को मिलेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जिसमें भी कर्नाटका जो है 72% मैग्नेटाइट का डिपोजिट उसके पास है, और वेला डील जो माइन है, वेला डीला माइन छत्तीसगढ़ का, वो आपका हेमेटाइट ओर के लिए प्रसिद्ध, इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 37 कहता है कि अलकनंदा और भागीरथी जब मिलेंगे तो क्या होगा। जब मैंने बताया पांच प्रयाग, मैंने बताया था कि जब अलकनंदा और भागीरथी मिलेंगे तो देव प्रयाग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, देव प्रयाग बनाएंगे। तो आपको मैंने पांचों प्रयाग बताया था पिछले वीडियो में, और देखिए यहां भी पूछा गया है, तो सवाल रिपीटेड है कि नहीं, अगर आप थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा अगर आप डिकोड करिएगा यूपीएससी प्रीलिम्स को, तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और मैं वो डिकोड करके मैं आपको 70 डेज प्लान जो है मैं उसमें ही आपको बताऊंगा, और उसको आपको करना है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा तरीका से आपका अच्छा मार्क्स आएगा। देखिए देख सकते हैं, ओके, देखिए जब अलकनंदा में धौली गंगा मिलेगी तो बनाएगा विष्णु प्रयाग, अलकनंदा में जब नंदाकिनी नदी मिलेगी तो बनाएगा नंद प्रयाग, पिंडार मिलेगी तो क्या बनाएगा, कर्ण प्रयाग, जब आपका मंदाकिनी मिलेगी तो बनाएगा रुद्र प्रयाग, और जब भागीरथी मिलेगी तो क्या बनाएगा, देव प्रयाग। ओके, पांचों प्रयाग आपके सामने है, पांचों प्रयाग कहां कहां से निकल रहा है आपको यहां पे दिखाई पड़ रहा है। हम चलेंगे सवाल नंबर 38, मैच द रिवर विच सिटीज थ्रू विच दे आर फॉलोइंग, मतलब ये कह रहा है कि इनके बीच, इन शहरों के बीच से बहने वाली नदियां हैं आपके सामने, ऑप्शंस हैं। देखिए अगर पेरिस आप लोग रटा रटाया, पेरिस बहुत बड़ा, पेरिस सी नदी किनारे है, सी नदी किनारे हर जगह, तो बी का ए, अगर पूरा नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर रोटरडम के बारे में जानेंगे तो जर्मनी वाला एरिया में है, और कहां है, राइन नदी किनारे है, खत्म हो गया। वाशिंगटन भी पता है आपके, पोटोमैक नदी किनारे है, कमेंट करके बताइएगा न्यूयॉर्क कौन सा नदी किनारे है, न्यूयॉर्क कौन से नदी के किनारे है, ये आपको कमेंट करके, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि न्यूयॉर्क कौन सा नदी किनारे, न्यूयॉर्क में क्या क्या चीजें हैं। ओके, मैं जब नॉर्थ अमेरिका कल पढ़ा रहा था तो आपको बताना है। अब देखिए आपका ए का तीन हो गया, बी का एक हो गया, खत्म हो गया सवाल। अब हमको आया ना आए पूरा हम आंसर कर देंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद आप देख सकते हैं जो बुडापेस्ट है हंगरी, आपको पता होना चाहिए, वो आपको
आपको दिखेगा डेन्यू नदी के किनारे। हम चलेंगे सवाल नंबर 39 की ओर। सवाल नंबर 39 कहता है कि सबसे ज्यादा या सबसे बड़ी तटरेखा वाला देश कौन है। देखिए सबसे बड़ी तटरेखा वाला देश, अगर आप मैप को अपने दिमाग में रखिए, आंख बंद करके मैप को देखिए, पूरे वर्ल्ड के मैप को, तो सबसे अगर देश की बात करें तो कनाडा देखने को मिलेगा। कनाडा देखिए कितने बड़ा एरिया में है, और पता है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है कनाडा रूस के बाद। तो कनाडा की जो तटरेखा है, चारों तरफ से देखते हो कनाडा पूरे समुद्र से घिरा हुआ है, तो सबसे बड़ी तटरेखा वाला जो देश है वो है कनाडा। ध्यान रखिएगा कनाडा का जो कोस्टल लेंथ है देख सकते हैं 2,02,080 किलोमीटर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके हम चलेंगे, और उसके बाद सेकेंड जो आपका है नॉर्वे का, सेकंड नॉर्वे का, तीसरा किसका है इंडोनेशिया का। ओके हम सवाल नंबर 40 की ओर चलेंगे। अल्मोनियम का सबसे बड़ा उत्पादक, देखिए अल्मोनियम की सबसे बड़ा उत्पादक पूरे विश्व में है वो है चाइना, लेकिन ये जो बीपीएससी ने सवाल पूछा था तो इस सवाल को डिलीट कर दिया क्योंकि ऑप्शन से चाइना दिया ही नहीं था। ये तो मैंने पांचवा ऑप्शन आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैंने रखा, ये सवाल पुराना है, उसमें पांच ऑप्शन नहीं हुआ करते थे। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा चाइना सबसे बड़ा उत्पादक है आपके अल्मोनियम का। ओके कह रहा है कि पेनिन्स रिवर, एप्लेसियन माउंटेन, अरावली माउंटेन। अब देखिए ये दो किसके उदाहरण है, देखिए अरावली के बारे में बताया सबसे पुराना पर्वत है अरावली, अपलेसियन में जब नॉर्थ अमेरिका पढ़ा है उसे मैंने बताया कि एक अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण रेसिडुअल्स माउंटेन एक तरह का पुराना पर्वत है, ओके ना के बराबर है। तो उसी तरह से ये तीनों एक ही होगा ना, पेनिनसुला माउंटेन यूरोप का जो है एक तरह की पुरानी ओल्ड माउंटेन, एक तरह का रेसिडुअल माउंटेन, एक तरह का अपशिष्ट पर्वत है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके हम बात करेंगे सवाल नंबर 42, बे ऑफ बंगाल में कौन कौन सी नदियां गिरती है। देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे तो गिरेगी ही 100%, गोदावरी भी गंगा में गिरती है, मीन्स की बे ऑफ बंगाल में। महानदी की बात कर लेंगे, कृष्णा की बात कर लेंगे, कावेरी की बात कर लेंगे, तीनों नदियां भी आपके गंगा में, दोनों आप देख सकते ए ऑप्शन बी जो है ये गंगा में गिरने वाली नदियां हैं। ओके वाइल अगर हम बात करेंगे लूनी का बात कर ले, नर्मदा की बात कर ले, ताप्ती की बात कर लेंगे, ये जो नदियां हैं ये आपकी नदियां अरब सागर में गिरती है, किसमें गिरती है अरब सागर में गिरती है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है तो यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन सी नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती है आप देख सकते हैं, और अभी जो आपका वीक सेकेंड वीक जो होगा उसमें हम लोग ड्रेनेज सिस्टम की ही बात करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे, इंडिया का जो रिवर सिस्टम है उनके बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग हिमालयन को मैंने आपको टास्क में दिया, हिमालयन रिवर के बारे में मैंने दिया है, तो उसमें हम लोग देख लेंगे कौन कौन सी नदियां हैं जो जाके बे ऑफ बंगाल में गिर, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई बड़ा ऐसा टफ नहीं, दो चार पांच नदी जो है जो कि अरेबियन सागर में गिरती है, इंपॉर्टेंट नदी की बात करेंगे। तो सवाल नंबर 43, सबसे पुराना तेल क्षेत्र दिगबोई असम का, ये सबको याद है कि दिगबोई जो है असम का वो सबसे पुराना तेल क्षेत्र माना जाता है। देखिए और यही सवाल पूछ दिया था एग्जाम में अंकलेश्वर के बारे में, अंकलेश्वर क्या है, तो ये पेट्रोलियम के लिए मतलब इंपॉर्टेंट चीज, मतलब कि कच्चे तेल के लिए या पुराना तेल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण जगह है। तो ये सब जो बॉम्बे हाई है, अंकलेश्वर है, नवगांव है, दिगबोई है, ये सारे जो ऐसे जगह हैं जो कि आपके पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के लिए, कच्चे तेल के लिए मतलब कहने का मतलब कि फेमस है। ठीक है सवाल नंबर 44, यारलुंग जांगवो रिवर, यारलुंग जांगवो नदी किसको कहते हैं। देखिए गंगा को तो बोलेंगे नहीं, महानदी को बोलेंगे नहीं, इंडस को नहीं बोलेंगे भाई, लेकिन यारलुंग जांगवो जो है ये बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को। अब देखिए कह रहा है कि अपर स्ट्रीम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन चाइना इज नोन एज यारलुंग जांगवो या यारलुंग सांगपो। ये जो ब्रह्मपुत्र का जो धारा, ऊपरी धारा है, अपर स्ट्रीम जो है आप बोल सकते हैं, उसको चाइना में यारलुंग जांगपो बोला जाता है, ये सांगपो बोला जाता है, और ये रिवर तो पता है कैलाश रेंज हिमालय के वहां से निकलती है। ठीक है अब यहां कह रहा है कि ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है और क्या कहलाती है, सियांग कहलाती है, क्या कहलाती है, सियांग कहलाती है। ठीक है दिहांग भी आपको देखने को मिलेगा। इट फ्लो थ्रू असम एंड इंटर बांग्लादेश वेर इट रेफर एट जमुना। जब बांग्लादेश में एंट्री करती है तो उसको जमुना के नाम से जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र इज ज्वाइंड बाय द तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर से आके वो ज्वाइन कर जाती है इन बांग्लादेश, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है हम चलेंगे सवाल नंबर 45, विच अमंग्स द फॉलोइंग स्टेट हैज नॉट आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी, आदिवासी समूह है ही नहीं, कौन सा राज्य है। महाराष्ट्र में तो है, ओके महाराष्ट्र में तो आदिवासी हैं, व्हील आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में तो आदिवासी हैं ही, कर्नाटका में भी आदिवासी है, लेकिन हरियाणा और पंजाब में जब 2001 का सेंसस, 11 का सेंसस हुआ तो बोला कि पूरे भारत में जनजाति जो है 8.6% है पूरे जनसंख्या का। ठीक है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति है, शेड्यूल ट्राइब है, और उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र में, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने अभी तक किसी भी जनजाति अपने राज्य के अंदर किसी भी जनजाति के बारे में आइडेंटिफाई नहीं किया है। बिहार में भी ना के बराबर है जनजाति, बेसिकली जो जनजाति था वो झारखंड वाला एरिया में था, तो बटा तो नहीं, उतना तो बिहार में बहुत कम है।
सुल्तानपुर वर्ड सेंचुरी, देखिए सुल्तानपुर वर्ड सेंचुरी की बात करेंगे तो ये आपके गुड़गांव में देखने को मिलेगा, गुड़गांव में हरियाणा में, ठीक है। नागार्जुन सागर जो बहुदेशीय परियोजना है वो किस नदी पे? देखिए नागार्जुन सागर जो बहुदेशीय परियोजना है वो कृष्णा नदी पे। देखिए मैं आपको बता दूं, सतलज, कृष्णा, ओके, गोदावरी, चेनाब, कावेरी, ठीक है, ये जो कुछ ऐसे नदियां हैं जिनके ऊपर जो आपके डैम हैं या इनके ऊपर आप कह सकते हैं कि जो भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में आपको होना चाहिए पता, ठीक है, सवाल पूछता है हमेशा, ठीक है। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हार्डली सार्डली 10 हो गए जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं, या नया में कोई बन रहा है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के हाल में ही कहीं ना कहीं बनने वाला है उधर वाला नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में, तो उसको आपको ध्यान में रखना है, ओके। यहाँ पर उत्तर कृष्णा होगा, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है, ओके। अगर हम बात करते हैं कृष्णा नदी पर तो और बहुत सारे डैम हैं, जैसे कि अलमाटी डैम है, नागार्जुन सागर डैम है, श्री सैलम डैम है, बसवा सागर डैम है, ये सारे आपके कृष्णा नदी पे मतलब कहने का मतलब कि डैम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में और नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के बीच में है, ठीक है। और इस ये जो है आपका नालगोंडा है, सूर्यपेट है, कृष्णा है, खम्माम है, वेस्ट गोदावरी है, इन एरियाज में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के मतलब रूप में काम आता है और इरिगेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है इन एरियाज में, ठीक है। इसका उद्घाटन किया गया था 10 सितंबर 1955 को, लेकिन कंप्लीट हुआ था 1967 में। सवाल नंबर 48, टकला मकान मरुस्थल कहाँ? देखिए टकला मकान या मकान बोल सकते हैं, जो मरुस्थल है वो चाइना में है। कहाँ पे? चाइना में। देखिए उसके टकला मकान की जैसे ही हम थोड़ा सा ईस्ट में बात करेंगे तो आपको गोबी मरुस्थल दिखेगा जो कि चाइना और मंगोलिया में स्थित है, ठीक है, चाइना और मंगोलिया में स्थित है, इस बात को ध्यान रखते हैं। यहाँ पे तो टकला मकान जो मरुस्थल है वो आपको चाइना में देखिए टकला मकान यहाँ देख सकते हैं, पूरा चाइना में फैला हुआ मरुस्थल, ठीक है। फिर गोबी डिजर्ट जो है आपका ये पूरे एरिया में ऐसे इस तरह से फैला गोबी डिजर्ट, ओके। इधर आप जाए कुजुल कुन है आपके डिजर्ट, मैं आपको सारे डिजर्ट कवर कर रहा था, ठीक है, सारे डिजर्ट यहाँ पे कवर हो जाएंगे। सवाल पूछता है, देखिए अब हम बात करेंगे पहले ये अफ्रीका में सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा पूरा डिजर्ट जो आपका ये है, ओके। इधर आपको एटलस माउंटेन आपकी साइड में देखने को मिलेगा, एटलस पर्वतमाला, ये देखिए पूरा ये आपका प्रायद्वीप मीन अरब प्रायद्वीप है, यहाँ पे आपको अरबियन डिजर्ट देखने को मिलेगा और भारत में थार डिजर्ट देखने को मिलेगा। अगर हम एशिया में इधर चलते हैं थोड़ा सा तो देखिए ये आपको देख लेंगे टकला मकान और फिर गोबी जो कि आपका चाइना और मंगोलिया में फैला हुआ है। फिर यहां पर हम बात करेंगे काराकुम जो कि आपका तुर्केमिस्तान और कजाकिस्तान वाले एरिया में फैला है, लेकिन कजलकुम की बात करेंगे किजलकुम की तो ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान वाले एरिया में फैला हुआ है ये सारे डिजर्ट, ध्यान रखिएगा। इससे सवाल आ चुका है आपका ऑस्ट्रेलिया से, स्टुअर्ट स्टोनी, सिम्पसन, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, ग्रेट सैंडिन, तनाम, ये सारे डिजर्ट कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। सारे डिजर्ट कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। इतने सारे डिजर्ट के नाम आपको याद रखना है। उसी तरह नामबिया में बात करें तो नामिम डिजर्ट है, कालाहारी डिजर्ट है जो कि साउथ अफ्रीका बोत्सवाना सारे एरिया में फैला नामबिया में, ये आपका नामिम डिजर्ट है और ये आपका कालाहारी डिजर्ट है। ये मैंने चिली में मैंने बताया कि अटाकामा डिजर्ट है, ओके। पैटागोनिया मरुस्थल आप देख सकते हैं नीचे वाला अर्जेंटीना वाला एरिया में और थोड़ा चिली वाला में, तो पैटागोनिया मरुस्थल है। उसी तरह हम अगर बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका में तो ग्रेट बेसिन ये आपका नॉर्थ यूएसए का डिजर्ट है, ओके। उसी तरह हम बात करेंगे सोनोरन डिजर्ट देख सकते हैं मैक्सिको में भी है आपका, ओके। और इसका आप देख सकते हैं कि आपका कैलिफोर्निया प्रांत में भी है और थोड़ा थोड़ा आपका यूएसए के भी एरिया में, यूएसए कैलिफोर्निया तो यूएसए का भाग है, यूएसए और यहाँ पे मैक्सिको में फैला हुआ आपका सोनोरन डिजर्ट। उसी तरह मोजाबी डिजर्ट जो है ऊपर आप यूएसए में पूरा पूरी फैला हुआ, लेकिन चीन हुआ डिजर्ट जो है वो आपका मैक्सिको और यूएसए दोनों में कवर हो गया। नीचे पूरा अंटार्कटिक डिजर्ट है ये आप देख ही सकते हैं, ओके। तो इतने डिजर्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सवाल नंबर बात करेंगे 49, लाल सागर और हिंद महासागर, देखिए लाल सागर की बात कर लेंगे, हिंद महासागर की बात कर लेंगे तो स्वेज नहर जोड़ेगी, ओके, बाब अल मैंडब जोड़ेगी। देखिए अगर हम इस तरह से मैप बनाएंगे, ये हमारा अरब प्रायद्वीप है, ओके, अरब प्रायद्वीप है और ये आपका जो है ये आपका क्या है अफ्रीका, ये क्या आपका एरिया, ये अफ्रीका एरिया, ठीक है, यानी कि ये आपका अफ्रीका एरिया, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे जो स्वेज नहर, यहाँ पे कौन सा है स्वेज नहर और यहाँ पे कौन सा है बाब अल मंडब जल संधि, ये बीपीएससी ने पूछा इसको, ठीक है।
तो बाब अल मंडब जसंधि जो है आपको रेड सी और इंडियन ओशन को जोड़ती है। उसी तरह से हॉर्मुज की बात करेंगे तो पर्शियन गल्फ को और अमान की खाड़ी को जोड़ता है या अरब सागर को जोड़ता है। ठीक है, हॉर्मुज जल संधि। देखिए बॉस्पोरस की बात करेंगे तो ये ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा इसको जोड़ता है यूरोप और एशिया के बीच में देखने को मिला। तो बॉस्पोरस जल संधि जो है आपका काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। ओके, मलक्का जल संधि अंडमान सागर और साउथ चाइना सागर को जोड़ता है। जितनी भी स्ट्रेट है बेसिकली आपके वर्ल्ड के मैंने आपको कवर करवाया है इसी 45 डेज सीरीज में। तो यहां से सवाल अगर आया भाई तो गलत नहीं होना चाहिए कैसे भी करके। ठीक है, इस बात ध्यान रखिएगा, सारे स्टेट में कवर करवाता हूं, बेसिकली ज्योग्राफी को मैं बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाया है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री ये दोनों सवाल नहीं होना चाहिए, खत्म छूटना चाहिए। ठीक है, सवाल नंबर 50 की बात करेंगे, 19 ईस्ट रिज, ये मैं करवा चुका हूं, जो 19 ईस्ट रिज है एक तरह का उठा हुआ भाग, अंडमान जो निकोबार आप देखिएगा ना, अंडमान निकोबार वो एक तरह का रिज है, क्या है उसको 19 ईस्ट रिज बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, देख सकते हैं। इट ऑरिजिनेट फ्रॉम द वेस्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड एंड एक्सटेंड साउथवर्ड अप टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमस्टरडम एंड संत पॉल आइलैंड। ये देख सकते हैं ये पूरा जो फैला हुआ है, ये जो पूरा एक तरह से उठा हुआ भाग है, ये रिज उसी को बोलते हैं, एक उठा हुआ भाग, जब जिससे देख सकते हैं किससे कंटिनेंटल ट्रस्ट है, क्रस्ट जो है किस तरह से उड़ जाता है, तो ये 19 ईस्ट रिज है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये 19 डिग्री मेरिडियन पे, इसलिए 19 ईस्ट रिज बोलते हैं, और ये आपका इंडियन ओशन में है, इस बात ध्यान रखिएगा, और वो भी आपका जो अंडमान निकोबार वाला उसी वाला एरिया को कहते हैं। सवाल नंबर 51, सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन कौन करता है? सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन चाइना करता है। फोल्डिंग वलन परिणाम है, फोल्डिंग देखते हैं ना कि फोल्डिंग कारण, तो बहुत सारे आप देखते होंगे कि पर्वतों का निर्माण भी हुआ है, तो फोल्डिंग जो है एक तरह का ओरोजेनेटिक फोर्स है। देखिए ओरोगेनी पता होगा आपको, ओरोगेनी क्या है, प्रोसेस ऑफ माउंटेन फॉर्मेशन, पर्वतों का निर्माण की प्रक्रिया को ओरोजेनी बोलते हैं, तो ओरोजेनेटिक फोर्स यहां से याद कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ये वलन उसी का परिणाम है, इस बात को ध्यान रखिए। एक तरह का आपका ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, किस तरह का फोर्स है, ओरिजिनेटिक फोर्स वर्क हॉरिजॉन्टली एंड कॉज डिफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ लिथोस्फीयर, जैसे कि फोल्डिंग हो जाए, फॉल्टिंग हो जाए, क्रम्पलिंग हो जाए अगर अर्थ का, तो उस तरह के फोर्स को क्या बोलेंगे, ओरोजेनेटिक फोर्स, ओरोजेनेटिक। लेकिन इपीरियोजेनेटिक जो फोर्स है वो वर्टिकली काम करता है, जिससे कि कॉन्टिनेंटल जो मास होते हैं, कॉन्टिनेंटल जो मास होते हैं आपके, वो अपलिफ्ट कर सकते हैं या तो आपका मतलब नीचे जा सकते हैं, सबसिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपलिफ्टमेंट और सबसिस्टेंस जो होते हैं कॉन्टिनेंटल मासेस का अपवर्ड डाउनवर्ड में, वो आपके इपीरियोजेनेटिक्स फोर्स के कारण होते हैं। ठीक है, इस बात ध्यान रखिएगा। हम चलेंगे सवाल नंबर 53, अमृतसर और शिमला जो है वो सेम लैटिट्यूड पे है, सेम अक्षांश पे है, लेकिन उनका फिर भी मौसम चेंज की, मौसम अलग क्यों है, देखिए शिमला में कितना बर्फ वर्फ गिर रहा है, मैं तो बर्फ होते हैं हमेशा, अमृतसर में बर्फ नहीं, लेकिन सेम लैटिट्यूड पे। देखिए क्लाइमेट के लिए 6 मेजर चीज है जो कि आपके वायु आपके क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, क्या भाई, तो लैटिट्यूड अक्षांश पे, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करेंट एंड द रिलीफ फीचर्स, ये सारे जो हैं आपके एरियाज हैं। तो देखिए यहाँ पे स्नोफॉल इन शिमला ये गलत है, पॉल्यूशन में ये सब कुछ चीजें, इससे कोई क्लाइमेट पे ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन क्लाइमेट पे जो है तो सेम लैटिट्यूड पे है, तो एल्टीट्यूड की ऊंचाई पे देखिए ना, शिमला है जो इतना 2276 मीटर ऊंचाई पे, लेकिन अमृतसर मात्र 234 मीटर ऊंचाई पे स्थित शहर है, इसलिए इनके जो टेम्परेचर उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होता। तो यहाँ सवाल पूछने का कारण यही था कि आपका क्लाइमेट से ऊपर सवाल पूछा गया, ये नहीं अमृतसर शिमला दे दिया, क्लाइमेट के ऊपर सवाल पूछा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, सवाल नंबर जाएंगे हम लोग 54 की ओर। सवाल नंबर 54 कहता है कि मेजर सोर्स ऑफ ओशनिक सैलिनिटी, देखिए जो समुद्री लवणता के जो प्रमुख स्रोत है, जैसे आप देखते होंगे समुद्र का पानी खारा होता है, लवण होता है उसमें, क्यों, क्या वो नदियों के कारण होता है, जो नदियां जो आती हैं उनके कारण, क्या विंड के कारण, या वोल्केनोस के राख के कारण, अब बताए कि समुद्र में हमेशा राख आते रहता है वोल्केनो का, नहीं ना, तो ये तो होगा नहीं, हवा से कोई मतलब समुद्र का पानी खारा हो सकता है, नहीं हो सकता, अब रिवर और लैंड में आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो इसे उत्तर लैंड होगा। अब कैसे होगा देखिए, ओशन सैलिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट, जितना ज्यादा उसमें डिजॉल्व सॉल्ट रहेगा, ठीक है, एनएसएल सारी चीजें, तो उसको बोलेंगे कि उसमें जो ज्यादा खारा है। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि द साल्ट इज एन ओशन कम फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक ऑन अ लैंड, जो भी चट्टान होते हैं उनके वेदरिंग से होने के कारण ही जो नमक जो उसमें से निकलते हैं वो आपके समुद्र में जाते हैं। रेन विच इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर
इरोड द रॉक्स, जो पानी जब बारिश होगा तो रॉक्स को इरोड्स करते जाएगा, और इस तरह से आयंस क्रिएट होंगे जो इलेक्ट्रिकली चार्ज एटॉमिक पार्टिकल होंगे, और ये आयरन जो है कैरिड अवे बाई द रिवर टू द ओशन, रिवर के थ्रू वो ओशंस में जाएंगे, और क्लोराइड एंड द सोडियम टू मोस्ट प्रिवेलेंट आयन इन द सी वाटर आर सॉल्टी, लीडिंग टू इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन ओशन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कर इवेपरेशन ऑफ ओशन वाटर एंड द फॉर्मेशन ऑफ सी आइस आल्सो इंक्रीज द ओशन सैलिनिटी। लेकिन मेजर सोर्स की बात किया था ना, तो मेजर सोर्स कौन है आपका? लैंड। इसके कारण ही ओशन सैलिनिटी, क्योंकि देखिए क्या लिखा, रॉक्स ऑन लैंड, जो भी आपके भूमि पे जो पत्थर भी, एक तरह से भूमि हो गया ना, पत्थर जो भी आपके स्टोन से जो भी रॉक्स है आपके पत्थर भूमि प्रेजेंट है, उनके वेदरिंग के कारण होता है, उनके वेदरिंग के कारण होता है। तो लैंड इस सवाल का उत्तर होगा सवाल नंबर 54 का। 55 नंबर सवाल कहता है सीधे सीधे कि बड़े बड़े स्टेट के अगर हम घटते क्रम में करेंगे तो सबसे बड़े राज्य को, तो ये कौन सा सही है? सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान। सिंपली छट जाएगा ना, क्योंकि देखिए ऑप्शंस ए इज द राइट, क्योंकि राजस्थान सबसे बड़ा है, बाकी कोई ऑप्शन में राजस्थान है ही नहीं, मीन्स की स्टार्टिंग में। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, 1 2 यहां देख सकते हैं आपके 1 2 3, ठीक है, टॉप 5 स्टेट, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 5, ठीक है। उसी तरह से आपका बॉटम स्टेट सबसे छोटा गोवा, उसके ऊपर सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। ओके, आप ध्यान रखिएगा, आपको कमेंट करके बताना है बिहार का नंबर कितना है एरियाज के अकॉर्डिंग, कितने रैंक पे आता है, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितने रैंक पे आता है बिहार, ये आपको कमेंट करके बताना, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो चलेंगे सवाल नंबर 56। सवाल नंबर 56 कहता है कि द लॉन्गेस्ट डे इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर पे सबसे लंबा दिन कब होगा? देखिए साउदर्न हेमिस्फीयर पे सबसे लंबा दिन अगर होगा तो वो होगा विंटर सोलिस्ट में, ठीक है। दो सोलिस्ट होते हैं, एक आपका जून में होता है, एक दिसंबर में होता है। जून वाला को हम समर सोलिस्ट बोलते हैं, और विंटर वाला को, दिसंबर वाला को विंटर सोलिस्ट बोलते हैं। और विंटर सोलिस्ट दिन क्या होता है कि जो हमारा सूर्य होता है, सॉरी हमारा जो पृथ्वी होता है उसका जो नॉर्थ पोल होता है ना, वो सूर्य से काफी दूर होता है। जो सूर्य से काफी दूर होगा नॉर्थ पोल, तो हमारा होगा विंटर सोलिस्ट। और जब सूर्य के काफी नजदीक होगा नॉर्थ पोल, या बोल सकते हैं कि जो नॉर्थ पोल है बहुत ज्यादा टिल्ट होता है सूर्य की तरफ, तो हम उसको बोलेंगे समर सोलिस्ट, जो कि जून में होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप मैप से, यहाँ पे आप फिगर से देख सकते हैं, देखिए ये ज्यादा काफी टिल्ट है, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इस बात ध्यान, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो काफी टिल्ट है आपके सूर्य की तरफ। तो जब काफी टिल्ट होगा सूर्य की तरफ, और जब ये जो पूरा ये जो सूर्य का जो प्रकाश है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एकदम डायरेक्टली पड़ेगा, और इस तरह से क्या होगा कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, गर्मी होगा, और 21 जून सबसे बड़ा दिन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। वही जब सूर्य से काफी दूर हो जाएगा इसका नॉर्थ पोल, सूर्य से काफी दूर जब हो जाएगा इसका नॉर्थ पोल, तब क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, विंटर सोलिस्ट हो जाएगा, और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा आपका कहां पे, दक्षिणी गोलार्ध पे। समझ रहे हैं बात को? और जिस दिन इधर बड़ा दिन, उस दिन सबसे छोटा दिन होगा। सबसे बड़ा दिन जब होगा तो सबसे छोटी रात होगी, सबसे बड़ा दिन इधर हुआ तो छोटी रात हो जाएगी, सिंपल है, खत्म। ओके, 21 जून को होता है समर सोलिस्ट, और 22 दिसंबर को होता है विंटर सोलिस्ट। विंटर सोलिस्ट में दक्षिणी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन, और समर सोलिस्ट पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सबसे बड़ा दिन। इक्विनॉक्स अलग होता है, इक्वी मतलब इक्वल, दिन और रात इक्वल होते हैं। इस दिन इक्वेटर जो है हमारे, इक्वेटर के एकदम लाइन जो है, इक्वेटर जो है हमारा, उसके उसके ऊपर डायरेक्टली सनलाइट पड़ता है, और इस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा मार्च वाला होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और ऑटोमन वाला होता है हमारा सॉरी ऑटोमन में होता है वो होता है 23 सितंबर को। क्या होता है? 23 सितंबर को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो देख सकते हैं एक तरह से हमारा यहाँ पे 21 मार्च को हमारा एक इक्विनॉक्स हुआ जिस दिन रात बराबर है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि 23 सितंबर को दिन रात बराबर हुआ। समझ रहे बात को? तो ये हमारा हो गया कवर। आगे हम चलेंगे सवाल नंबर 57 की ओर। ग्रेट बैरियर रीफ, ये मैं बता चुका हूँ कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया के जो कोस्टल एरिया में एकदम पैरेलल है, और इसकी अगर हम बात करें लंबाई देख सकते हैं 2300 किलोमीटर है। गृहत प्रवाल भित्ति है वो, एक कोरल रीफ सिस्टम का है जो उसमें बहुत सारे 2900 इंडिविजुअल्स रीफ्स हैं और 900 आइलैंड्स उसमें शामिल हैं, और इस बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम चलेंगे सवाल नंबर 58। दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री जो है एक तरह का अगर हम बात करेंगे रिसर्च
सेंटर बोल सकते हैं वो अंटार्कटिका में स्थित है, ठीक है। रिसर्च या साइंटिफिक बेस स्टेशन जो है दक्षिण गंगोत्री वो अंटार्कटिका में स्थित है। ओके, मैत्री एंड भारती ये दो ऐसे साइंटिफिक बेस और भी हैं जो कि आपका अंटार्कटिका में स्थित है, मैत्री और भारती, दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सवाल नंबर 59, अ माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। देखिए यूरोप की बात करेंगे तो वहां पे देखिए हिमालय तो पता है, रॉकीज पता है, एंडीज पता है। ओके, तो रॉकीज कहां आपका नॉर्थ अमेरिका, एंडीज कहां है साउथ अमेरिका, लेकिन यूरोप की बात किया तो आल्प्स जो पर्वत है वो आपका यूरोप का माउंटेन रेंज है। कहां यूरोप का माउंटेन रेंज है, आल्प्स पर्वत। आल्प्स हाईएस्ट एंड मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन रेंज सिस्टम है जो कि यूरोप के बीचों बीच में आप देखिएगा, जो कि 1200 किलोमीटर में है और इसमें अल्पाइन कंट्री जैसे फ्रांस में है, स्विट्जरलैंड है, मोनाको है, इटली है, लिस्टेंशियंस है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, स्लोवेनिया, वेस्ट से ईस्ट की मैंने बात की, ठीक है। अगर वेस्ट से आप ईस्ट चलेंगे, इधर से आप इधर चलिएगा तो ये सारे कंट्रीज आपको देखने जो कि पूरे आल्प्स पर्वत यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सवाल नंबर 16, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका। देखिए अगर हम बात करेंगे अमेजन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी है, लंबा नदी है, और अमेरिका साउथ अमेरिका का सबसे लंबा नदी कौन है आपका अमेजोन है। नाइल रिवर कहाँ है अफ्रीका में है। मिसिसिपी मिसौरी कहाँ है यूएसए में है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हम चलेंगे सवाल नंबर, यहाँ देख सकते हैं कुछ और भी नदी है जैसे कि मैगलडेना है, रियो नेग्रो है, पराग्वे है, पराना है, ममोर्स है, पुरुष है, ये सारे नदियां कुछ है साउथ अमेरिका की नदियां। ओके, द फोर लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम जैसे कि अमेजोन है, रियो डी प्लेटा है जो पराग्वे पराना और उरुग्वे रिवर्स के बना, तो रियो डी प्लेटा सवाल पूछा है पेशेंट ने, ठीक है ध्यान रखिएगा। हम सवाल नंबर 61, इंडिया गेट मैक्सिमम रेनफॉल मेनली फ्रॉम, भारत में सबसे ज्यादा जो वर्षा जो होती है वो कैसे होती है, किस मानसून से, साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, कन्वेक्शनल मानसून या रिट्रीटिंग मानसून। तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी, नॉर्थ ईस्ट जो मानसून है सबसे ज्यादा वर्षा उसी से इंडिया में होती है, आपको ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं सवाल नंबर 62, कुछ ऐसे रेलवेज हैं ओके जिनके बारे में है जो कहाँ से कहाँ चलता है, बहुत फेमस मीन्स की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रेलवेज हैं जैसे कि यूरोपियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज। ओके, पेरिस इस्तांबुल है, लिनॉर्ड से ब्रावेस्ट के, ब्यूनस आयर्स से वल्पारैसो है। अब आपके सामने देखिए एंडीज पर्वतमाला कहाँ है, तो आप बोलिए कि साउथ अमेरिका में। ब्यूनस आयर्स कहाँ है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कहाँ है, साउथ अमेरिका में। तो बी का तीन तो ऐसे ही खत्म हो गया ना, बी का तीन आपको ऐसे ही खत्म हो गया, और आपके दो ऑप्शन में बी का तीन है, ये खत्म कर दीजिए। तो सवाल को पकड़ना सीखिए। ओके, यूरोपियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे, यूरोपियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे। अब देखिए साइबेरियन, देखिए जो दोनों नाम है आपका रशियन का, रशिया का नाम है, तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे हो गया सी का टू। अब देखिए बी का थ्री, सॉरी ये तो मैंने सॉरी ये हाँ ये दो कार्ड है। हाँ आप देखिए बी का थ्री सी का टू हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मिला लीजिए यहाँ पे ट्रांस एंडीज है जो ब्यूनस आयर्स से लेके वल्पारैसो है, ट्रांस साइबेरियन लिनॉर्ड से ब्रावेस्को है, ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस इस्तांबुल है। तो इस तरह से सवालों को पकड़ना सीखिए। अगर आप नहीं भी नाम सुनेंगे फिर भी आप कुछ अगर कंट्री के बारे में जानेंगे तो कुछ ना कुछ बता देंगे। हमने माउंटेन से देख लिया, स्मॉलेस्ट डे ऑकर ऑन, देखिए ये जो सवाल पूछा बीपीएससी ने इस सवाल को डिलीट किया, क्यों किया, पूछा कि सबसे छोटा दिन होता है भैया कहाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपका या साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेगा तो 21 जून उत्तर देंगे, ठीक है 21-22 जून, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर बोलेगा तो क्या उत्तर देंगे, सबसे छोटा दिन की बात कहा, ठीक है सबसे छोटा दिन की बात कहा। तो जब यहाँ पे 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है ओके 21 जून को, तो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर सबसे छोटा दिन होगा 21 जून को, होगा ना। उसी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन आपका होता है 22 दिसंबर को, और इसी दिन आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होगा, बात खत्म, सिंपल है। तो यहाँ पे ऑप्शन पूछा ही नहीं था, मीन कुछ पूछा ही नहीं था, तो सवाल को डिलीट कर दिया। ओके, सवाल नंबर ये है, सेम चीजें हैं, बार बार आपको देख लेना है। सवाल पूछा है सोलर इक्लिप्स ऑकर व्हेन, सूर्य ग्रहण कब होता है। देखिए सूर्य ग्रहण कब होगा, जब आपका इधर अर्थ है इधर सन है और बीच में आपका कौन हो गया मून,
क्या लग जाएगा, सूर्य ग्रहण, क्या लग जाएगा, तो एस एम ई याद रखिए, तो आपका लग जाएगा सूर्य ग्रहण, ठीक है, सूर्य ग्रहण, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है, जब सन मून और अर्थ जो एक लाइन पे होते हैं पहली बात, ठीक है, तो उसका उसकी प्रकाश को रोकेगा, और मून बीच में होते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो वो होता है आपका सूर्य ग्रहण हो। तो आज हम इतना ही सवाल करेंगे, अब जो नेक्स्ट वीडियोज और भी सवाल है, जैसे कि कॉफी का उत्पादन कौन सा देश सबसे ज्यादा और कौन सा राज्य सबसे ज्यादा करता है, तो कर्नाटका हो जाएगा, लेकिन ये सब सवाल को दो तीन सवाल अभी और हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए सवाल कम जाएगा, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग कम से कम लगभग 30 प्रश्न वो करेंगे और पूरा सवाल खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल पूछा ज्यादा, तो थोड़ा सा उसको हम लोग ध्यान देंगे, जो 70 डेज सीरीज है उसमें हम लोग कवर करेंगे अच्छे तरीके से, डोंट वरी। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज आपका वो बजट का सेकंड पार्ट जरूर आएगा, हम लोग मैंने बोला था आपको कल ही आने के लिए लेकिन नहीं आया वीडियो, लेकिन बजट का सेकंड पार्ट जरूर आएगा आज आपको, मिल जाएगा आपको 12 बजे बजट का सेकंड पार्ट, ठीक है, और ये वीडियो तो आपको 9 बजे मिल ही गया, ओके। और हमारा ऑलरेडी जो हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसका वीडियो आपको संडे या मंडे को मिल जाएगा आपको, डोंट वरी, इस चीज के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा ये 45 डे सीरीज ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, और हमारा पूरा साइंस सीरीज में 3 वीडियो बचा है, जो कि एग्जाम से 10 दिन पहले आपको मिलेगा, 100 एमसीक्यू फिजिक्स, 100 एमसीक्यू केमिस्ट्री, 100 एमसीक्यू आपका बायोलॉजी का। तो 70 डे सीरीज जो हमारा 70 डे टारगेट जो हमारा है, कैसे स्कोर करेंगे अच्छा, उसको जरूर देखिए, उसको शेयर जबरदस्त रूप से करिए, बहुत ही आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आपको भी शेयर कम से कम आप तो इतना कर ही सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.